नमस्कार, आप देख रहे हैं नैना वर्ल्ड न्यूज। खबर बांदा से। पूरा मामला जनपद बांदा के बबेरू कोतवाली का है, जहां कोतवाली थाना बबेरू में महिला मिशन शक्ति के तहत जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू की छात्रा जूही कसुंधन पुत्री ओम प्रकाश को बबेरू कोतवाली का एक दिन के लिए बनाया गया। SHO और थाना समाधान दिवस में आई फरियादी की एक दिन की इंस्पेक्टर ने पूरी सुनी समस्याएं और भांटी गांव की एक जमीनी विवाद से पीड़ित महिला की भी समस्या सुनी और तत्काल लेखपाल व पुलिसकर्मियों को आदेश दिया कि तुरंत मौके पर जाकर पीड़ित महिला के साथ विवाद का निस्तारण किया जाए, जिससे एक दिन के इंस्पेक्टर का आदेश मानकर पीड़ित महिला की समस्या का समाधान किया गया। और वहीं एक दिन के इंस्पेक्टर ने महिला हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष, कार्यालय कक्ष, महिला रेस्टोरेंट, किचन रूम आदि का कोतवाली प्रभारी जय श्याम शुक्ल के नेतृत्व में सभी का निरीक्षण भी किया और जहां पर कुछ सफाई से संबंधित खामियां पाई गई, एक दिन के इंस्पेक्टर के द्वारा तो आक्रोश व्यक्त किया गया और सब सफाई के आदेश दिए गए। और कुछ लोग बगैर मास्क के पाए गए, तो उन्होंने मास्क लगाने की तत्काल लगाई और सब कुछ ठीक ठाक पाया गया, जिसमें खुशी जाहिर व्यक्ति। और इस बीच उप जिलाधिकारी बबेरू सौरभ शुक्ल, बबेरू कोतवाली प्रभारी जय श्याम शुक्ल, CEO आनंद कुमार पांडे बबेरू, JP शर्मा इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह बबेरू, कस्बा इंचार्ज भूपेंद्र सिंह, सिमोनी चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार, सुधीर अग्रहरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष बबेरू, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वस्थ थाना स्टाफ महिला आरक्षी आदि उपस्थित रहे। रहता है।